हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की, और झटपट तैयार हो जाएगी ये, 10 मिनट में रेडी हो जाती है दोस्तों। और देख सकते हैं मैं बनाने के लिए रेडी करके रखी हूँ। रात को इसको मैं भिगा दी थी, इसमें मैं सूजी और दही को मिक्स करके रखी थी, जो खट्टा वाला दही आता है ना, उसको मैं मिक्स करके रात को ही रख दी थी। और सुबह उठ झटपट से बनाना रहता है, क्योंकि बेटी मेरी अभी जाने वाली है स्कूल, उसके लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो रात को ही करके रख दी थी दोस्तों। और अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक, और मैं इसमें डालने वाली थी जो इनो आता है, इनो डालने वाली थी, उससे और अच्छे से फूलता है। पर जो मेरा इनो था दोस्तों, वो ना खोल के रखी थी, तो एक दिन अभी और बनाई थी तो खोल के रखी थी, तो वो ख़राब जैसे हो गया था, मेरे को लगा ख़राब हो गया होगा, तो इसीलिए मैं उसको नहीं डाल रही हूँ। उसके बदले में ये डालूँगी मैं मीठा सोडा, जो हम लोग पकौड़ा में यूज करते हैं ना पकौड़ा बनाने के लिए, तो पकौड़ा फूला फूला सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, तो वही काम ये करेगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दूंगी दोस्तों, तो ये भी वही काम करेगा इनो जैसे, तो ज़्यादा ही इनो से थोड़ा ज़्यादा ही फूलता है, पर इससे भी ट्राई करके देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोग भी ये डाल सकते हैं अगर इनो नहीं है तो, और ये भी वही काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। देखिए मैं इसको मिक्स कर ली, क्योंकि मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई मिक्स करते समय, क्योंकि एक हाथ से बनता नहीं है मिक्स करते। ये देखिए घूम रहा है मेरा जो बर्तन है, और एक हाथ में कैमरा पकड़ी थी तो नहीं बना मेरे को दिखाते। अभी मैं दोस्तों इसमें जो मैं प्लेट रखी हूँ ऊपर में, मेरा पानी गर्म हो गया है, उबलने लगा है, तो मैं अभी इडली को डालूँगी। इससे पहले मैं इसमें ऑयल लगा देती हूँ, जो मेरा जाली वाला जो थाली है, छन्नी है, जो भी बोलते हो आप लोग, तो ये जो मेरा है इसमें मैं ऑयल लगा देती हूँ अच्छे से। क्या होता है ना दोस्तों, ऑयल लगा देने से जो हम बनाते हैं, इसमें डालूँगी अभी मैं जो पेस्ट, तो वो जब बन जाएगा उसके बाद नीचे से निकालने में उसको आसानी होगा, नीचे में चिपकेगा नहीं, है ना, इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये मैं अच्छे से उसमें लगा दी हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जो मेरा पेस्ट बना के रखी हूँ। पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसा है वो, कितना खमीर उठा है इसमें, ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा से ये रात भर में बहुत अच्छा हो गया दोस्तों, तो अच्छा बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो ये देख सकते हैं, आप लोग को दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए। अब चलिए दोस्तों डाल देती हूँ, ज़्यादा टाइम लगाऊंगी तो फिर मेरे को टाइम हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी से डाल देती हूँ मैं इसको, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, क्योंकि मेरे को छोटा वाला इडली बनाना है। मेरे पास इडली का सांचा भी है दोस्तों, पर मैं उसमें अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को छोटा छोटा इडली जब खाना मतलब खेल है जैसे लगता है उन लोग को, तो मैं उनके लिए छोटा छोटा बना रही हूँ, और मेरी बेटी बोलती है कि छोटा वाला ही बनाना, तो मैं सांचे से नहीं बना रही हूँ। और इसमें ना एक बार में बहुत सारा बन जाता है, कम से कम 8-10 तो बन ही जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी डाल देती हूँ, है ना, मेरे को एक हाथ से बन नहीं रहा है, एक हाथ में कैमरा पकड़ी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इतना सारा एक बार में डाल दी हूँ, कम से कम 8-10 ठो बन जाता है एक बार में, और इसको मैं अब ढक के रख दूँगी। अभी ये छोटा छोटा दिख रहा है, अभी ये फूल के बहुत सुंदर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो अच्छे से मैं इसको ढक देती हूँ। उसके बाद में इसको 10 मिनट तक पकाऊँगी, 10 मिनट भी नहीं लगता है दोस्तों, 5 मिनट में कम्प्लीट पक जाता है, तो मैं इसको 5 मिनट छोड़ देती हूँ और अपना कुछ कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि मिश्री का कंघी वगैरह भी करना होता है। तो ये देख सकते हैं 5 मिनट हो गया है, और मैं इसको खोल रही हूँ, तब तक मैं अपना कुछ कुछ काम भी कर ली। मेरी बेटी का कंघी कर रही थी, क्योंकि उसको चोटी बनाने नहीं आता है, तो ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है दोस्तों, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, और इसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो ये देख सकते हैं बन के रेडी हो गया। अब इसको मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि ये बना है कि नहीं, ये देखिए चिपक नहीं रहा है चम्मच में, तो ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको ना निकाल लूँगी दोस्तों, और ये देखिए एक भी नहीं चिपका है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं अलग थाली में, ये देखिए। और अभी इसमें ऑयल नहीं लगा होता तो ये ज़्यादा चिपक जाता, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाई थी मैं, तो देख सकते हैं बन गया। और ये मैं थाली में रख रही थी, तो वही मैं बताई थी ना कि कैमरा पकड़े रहो तो नहीं बनता है, तो मेरे हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया, तो अब मैं इसको नीचे उतार रही हूँ, नीचे उतार के पूरा सबको निकाल के रखूँगी। ये देखिए कितना अच्छा है,
एक ही ठो था जो उसमें से निकाली, वो चिपका हुआ दिख रहा होगा आप लोग को, फिर बाकी बहुत अच्छा बना हुआ है सब, एक भी नहीं चिपकेगा थाली में, पूरा साफ रहता है थाली, पूरा निकालो तो ये देखिए आप लोग के सामने ही निकाल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बहुत अच्छे से निकल रहा है और जल्दी से तैयार हो जाने वाला नाश्ता है, तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं जो बचा था और जो भी पेस्ट बचा हुआ था उसको दोबारा इसमें चढ़ा दी हूँ दोस्तों, और नहीं है अब मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ही बनाती हूँ मेरी बेटी के लिए, और इतना पर्याप्त होता है क्योंकि मिश्री के पापा उतना खाते नहीं हैं घर में, उनको बाहर ही खाना होता है, जल्दी जल्दी में चले जाते हैं, तो मेरे लिए और मिश्री के लिए हो जाता है। तो ये देख सकते हैं ये एक बार का था और ये दोबारा मैं बनाई हूँ, तो ये भी बन गया है, 5 मिनट में ही बन जाता है दोस्तों, तो 5 मिनट के अंदर मेरा ये रेडी हो गया, मतलब दोनों 10 मिनट लगा होगा, और मेरी बेटी का कंघी वंघी पूरा उसको रेडी कर दी हूँ मैं, तब तक ये नाश्ता बन गया और वो खा भी ली है, इसको मैं रखी हूँ ना तो पहले बनाई थी उसमें का उसको दे रही थी तो वो खा ली है। और दोस्तों अगर आप लोग चाहें ना तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे कढ़ी पत्ता वगैरह से फ्राई कर सकते हैं, पर अभी जल्दी जल्दी है तो मैं नहीं कर रही हूँ, बेटी को मैं बोली कि ऐसी खा लेगी तो उसने बोला कि हाँ मैं खा लूँगी, तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इसको भी निकाल देती हूँ थाली में पूरा को, और फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि कितना सारा बना है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा इडली बन के रेडी हो गया है, इतना सारा वो भी सिर्फ 10 मिनट में बना है, ये मात्र 10 मिनट में बना है, अगर विश्वास नहीं होगा तो आप लोग भी बना करके देख लीजिएगा, इतना छोटा छोटा बहुत प्यारा इडली है, बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है दोस्तों। अगर आप लोग चाहें ना तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, ग्रीन रेड येल्लो जो आता है ना फूड कलर, वो डाल सकते हैं, बच्चे और भी मन से खाते हैं उसको, मेरी मिश्री भी खाती है, पर अभी मेरे को जल्दी जल्दी था और मेरे पास फूड कलर है पर वो मिल नहीं रहा था तो मैं नहीं डाली हूँ दोस्तों, तो मैं ऐसी बनाई हूँ सादा वाला, और फूड कलर डाल के बनाओगे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर, और इसको ना फ्राई कर दोगे तो और भी अच्छा लगता है। अब मैं अपनी बेटी के लिए डाल रही हूँ टिफ़िन, और मैं कुछ ज़्यादा डालूंगी उसके लिए क्योंकि वो आज बोल रही थी कि मम्मा थोड़ा ज़्यादा इडली डालना, क्योंकि वो अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करती है, बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आता है, उन लोग भी खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में भी बनवाएंगे मम्मी लोग से, तो मेरी बेटी बहुत खुश हो जाती है, तो बोल रही थी इसीलिए कि मम्मा थोड़ा ज़्यादा डालना, मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करके खाऊँगी। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं अपनी बेटी के लिए डाल दी हूँ इसमें, और इसको सॉस डाल रही हूँ, सॉस के साथ खाएगी क्योंकि वो चटनी वटनी के साथ खा नहीं पाएगी, तो मैं इसमें सॉस डाल रही हूँ, तो सॉस के साथ वो अच्छे से खा लेगी, पूरा रेडी कर दी हूँ, अब मैं इसको पैक कर देती हूँ और मेरी बेटी को लेके दे दूँगी। तो चलिए दोस्तों मेरा तो टिफ़िन रेडी हो गया, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का जो रेसिपी है ये मिनी इडली वाला, अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।